गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 23 अक्टूबर और सुबह सुबह उठा हूँ मैं 6 बजे। और आज मेरा रेस्ट है, मतलब घर पे ही रहूँगा सारा दिन। क्या क्या काम करना है खेतों में थोड़ा सा, और इधर उधर का थोड़ा कपड़े भी धोना है। निक्की कपड़े धो नहीं पा रही है, बर्तन नहीं मांज पा रही है, तो मैं थोड़ा हेल्प करके दे रहा हूँ। और ठंड पड़ना शुरू हो गया, मैंने पहना हुड। निक्की अभी तक सोई है, मैं अभी जाके उठाऊँगा। और सुबह से उठ के मैंने नाश्ता भी कर लिया है। नाश्ता मतलब सिर्फ चाय पिया। और पीछे जो ताऊ है वो साफ़ सफाई कर रहे हैं अपने रोड में। और सुबह उठ के मैंने इसको थोड़ा गुड़ाई किया था। ये जो इधर है आपका चना साग और इधर है आपका मटर साग, तो दोनों का मैंने गुड़ाई किया, क्योंकि इतना तेज़ बारिश हुआ था तो सारा मतलब मिट्टी ना पूरा जम गया था, बहुत टाइट हो चुका था। तो मैंने इसलिए गुड़ाई कर दिया ताकि इसके जड़ में जड़ आसानी से मुलायम हो इसके मिट्टी, और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी जल्दी हो। और इधर भी काफ़ी सारे चीज़ है। इधर जो लाल साग लगाया था वो तो मर ही गया। तो देखते हैं ताऊ कैसे साफ सफाई करते हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ कर रहे हैं ताऊ सफाई, घास हो रहा है जो, क्योंकि हमारे जो रोड है ना ये इस ईंटा के बीच बीच वो मतलब घास उग जाते हैं, ये देख सकते हो। ये हर महीने में करना पड़ता है। थोड़ा सा बारिश हो गया, बस शुरू हो गया घास उगना। इधर से भी ये रोड है। और सुबह उठ के जब फूल को देखते हो ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखो पेठा, जो कि हमारे घर में अपना हो रखा था, यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ ये जगह ना साफ करवा के मैंने सोचा यहाँ पे लहसुन लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जब मैंने फावड़ा चलाया, यहाँ पे पूरा गुड़ाई किया, तो देखो उसके बाद ही बारिश होना शुरू हो गया था। लेकिन ये जो मिट्टी है ना अभी भी दलदल है, देखो पैर दब जा रहा है इस जगह पर। और तो मतलब यहाँ पे पूरा पानी भरा पड़ा है, ये जब तक नहीं हार्ड हो जाता, सूख नहीं जाता, तब तक यहाँ पे लहसुन लगा नहीं सकते। तो हमें कुछ दिन तक, एक हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लगा पाएंगे। और हमारे पीछे का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। हमारा पीछे का एंट्रेंस कुछ इस तरीके से है। बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है जब यहाँ से सनराइज़ होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी होने वाला है, सन यहाँ तक आ चुका है। ये देखो महारानी मिनी, आई। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बजे हैं 9 और अभी जो कि मैं यहाँ बैठी हूँ बाहर धूप में थोड़ा सा, और हस्बैंड बना रहे चाय। तो वो तो मम्मी पापा की वहाँ से खा के आए और मैं नहीं खा के आई। मैं मेले कुछ लेके भी नहीं आया, बट हाँ समोसा लेके आए हैं, तो समोसे से खाऊंगी मैं एंड चाय और एक फल खा लूँगी। पहले फल को ना धूप में रख देती हूँ, बेस्ट रहेगा। हाँ
खुद धूप में बैठ गई हूँ और हस्बैंड चाय बना रहे हैं, चाय बना के लेके आएंगे। और अंदर बहुत ठंड है गाइस। अभी कौन सा है महीना, अक्टूबर, अक्टूबर का महीना है बट ठंड अभी से गिर गई है, तो क्या करें, अब पड़ गई है पड़, क्योंकि वो जो बारिश था ना, उस बारिश की वजह से जो कि हुआ ये कांड। और इस बार लीची देखो गाइस, लीची हमारा काफ़ी अच्छा पेड़ दे रहा है। लीची दिखाती हूँ, वहाँ साल में देखो कितना बड़ा हो गया लीची का पेड़, और वहाँ उस पे हमारे बच्चे झूल के, झूला बन के झूलेंगे फ्यूचर में। ओह माय गॉड, নতুন পাতা জ্বালাইছে বর্ষা করে, লেকিন মেরে কো গরমি লাগ রহা হ্যায়, ধূপ তেজ হ্যায়। কহাঁ তেজ হ্যায়, তুম অভি উঠে হো তবে এসে লাগ রহা হ্যায়। तो अभी जो कि मैं गई थी थोड़ा अपने मायके में घूमने, नहीं मतलब ब्लड टेस्ट करवाने, होमोग्लोबिन टेस्ट करवाने। सो अभी चाहिए ना, बहुत सारी रिपोर्ट चाहिए। उस दिन मैंने थायराइड चेक करवाया, अभी होमोग्लोबिन चाहिए। सो दैट ही अभी मैं काम करूँगी, अभी काम तो करना ही पड़ेगा। और हस्बैंड धो रहे हैं कपड़े अभी फ़िलहाल टाइम, जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी कपड़े धो रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी वो चीज़। और कुछ कपड़े हैं जो धोने हैं वो हस्बैंड धो देंगे, और कुछ कपड़े हैं जो मेरे को तय लगाने हैं अभी। और आज थोड़ा क्लीनिंग भी करना है, लाइक दिवाली आ चुका है, और दशहरे में मैंने थोड़ा क्लीन किया नहीं था क्योंकि दशहरे के टाइम क्लीन था, और उसके बाद फिर लगातार फिर हमने डीप क्लीनिंग किसी चीज़ का किया नहीं, तो इस वजह से गंदा पड़ गया था। तो फिर हमने सोचा कि चलो आज क्लीन कर ही लेते, क्योंकि आज हस्बैंड का छुट्टी भी है और थोड़ा मेरा हेल्प भी हो जाएगा, क्योंकि शहर कहीं ना मकड़ी के जाले 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 से हो गए थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड भी है लगे हाथों, तो उनसे भी साफ़ करवा लूँगी। और अभी तो ढेर सारा काम बचा है अभी भी, तो वो तो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर होगा, क्योंकि नहीं तो ना ये ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा ब्लॉग। और यहाँ जो कि मेरे हस्बैंड कर रहे हैं अभी पंखा साफ़, और मैं कर रही हूँ इधर क्या खिड़की विड़की साफ़, क्योंकि खिड़की भी मैंने बहुत टाइम से साफ़ नहीं किया है, मकड़ी के जाले आ गए हैं और मेरे से ना हो नहीं रहे, एक्चुअल में धूल जा रहा है तो नाक में, तो अजीब सा फील हो रहा है। और अभी जस्ट मैं मतलब मेरे सर, अभी मैं क्या कर रही हूँ बताएं, वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, बात नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरे को ना थोड़ा कमज़ोरी टाइप का फील हो रहा है, क्योंकि अभी जस्ट अभी मैं ब्लड दे के आई ना, तो थोड़ा तो होता है ना फील अजीब सा, तो उसी टाइप का लग रहा है मुझे, मतलब लाइक थोड़ा सा चक्कर चक्कर टाइप का आ रहा है। तो यहाँ पे अभी जो कि हस्बैंड को मैंने कपड़ा जो कि गीला करके दिया, तो गीले कपड़े से ना सही हो जाता है पंखा, मतलब सही मतलब धूल जो है ना वो थोड़ा निकल जाता है प्रॉपर तरीके से। और अगर आप सूखे कपड़े से मारोगे ना तो वाइट वाइट रहता है, तो इस वजह से मैंने बोला कि थोड़ा गीले कपड़े से भी मार दो करके, तो उन्होंने मार दिया। देखो साइड में हमारा जो ऊपर का जो छत है उसमें थोड़ा सीलन आ गया है, और तो अभी मतलब सीलन मतलब छत को भी ठीक करना है, बहुत सारे काम हैं गाइस, बहुत ही सारे, मतलब अभी बनाने से ज़्यादा ना रिपेयर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे अभी ना मैं कर रही हूँ खिड़की विड़की साफ़, और अभी जो कि मुझे बेडशीट को भी चेंज करना है। और आप लोगों ने बहुत दिन के बाद मुझे साड़ी में देखा, तो मैं वैसे पहनती नहीं हूँ गर्मी में ना, मुझसे होता नहीं है।